हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपके ईकामा पर कितना शिप इशू किया गया, आप किस तरह से चेक करेंगे। तो आपको इस वीडियो में एप्लीकेशन के थ्रू बताऊंगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है CITC। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पूरा ध्यान से देखना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है CITC, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ये देखिए एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर इंग्लिश है तो अरबी कर सकते हैं, और अरबी है तो इंग्लिश पर क्लिक करके इंग्लिश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए जो भी आपका अप्सर यूज़र नेम है और अप्सर में पासवर्ड है वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और ये कैप्चा कोड है, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से रिफ्रेश करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा कोड को नीचे डाल देंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करता हूँ। ये देखिए मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके आपके नंबर पर 4 डिजिट का OTP कोड आएगा, जिस नंबर से आप अफसर बनाए हुए हैं। ये देखिए मेरा OTP कोड आ गया, मैं यहाँ डाल देता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा सक्सेसफुली ओपन हो गया है। ये देखिए हमारे ईकामा पर अभी एक ही सिम इशू है ज़ेन का, देखिए एक शो कर रहा है। अगर आपको इससे ज़्यादा सिम इशू होगा, 2 या 3, ये पूरा यहाँ डिटेल में शो करेगा। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके ईकामा पर कितना सिम है तो आप इसी तरह से चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आगे भी देखते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।